ये बहुत अहम सवाल लाए हैं जनाब स्पीकर साहब. डे वन से हमारी हुकूमत का विजन समझें, इसका मैनिफेस्टो समझें कि ये बलूचिस्तान है, इसके साथ माजी में जो ज़्यादतियाँ हुई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि हम इस सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, हमारी हुकूमत हिफाजत करेगी. मैं जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि वफाकी वज़ारत टीम की सूरत में आए, वहाँ पे ज़मीनों का मसला था जो कि 5,000 रुपये प्राइम लोकेशन पे 5,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से पिछले अदवार में, उसको आप कोई नाम, मैं फिर नाम लूँगा तो फिर थोड़ा सा कुछ और हो जाएगा, कोड़ियों के मोल दी गई. हमारी मीटिंग हुई जिसमें मुबीन साहब हम सब मौजूद थे, हमारे चीफ मिनिस्टर मेरे कायद ने उस पर इतना स्टैंड लिया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते. उसने कहा कि ये वो वक्त भूल जाएं, हम इस सरजमीन की एक एक इंच का तहफ्फुज़ करेंगे, हमने कसम खाई है. अब आते हैं इस मुआहदे की तरफ. मुआहदा, दूसरा मुआहदा 1985 में हुआ जो कि 2015 में एक्सपायर हो गया. पर हेड, पर वेल हेड जो उसकी प्राइस होती है, उस पे जैसे सना साहब ने फरमाया, हम ऑन बोर्ड हैं, हमारी मीटिंग हुई, उमर अयूब, जहांगीर तरीन, बाबर, ये सारे, हम कोशिश कर रहे हैं, गो के हमारे ज़खायर बहुत कम, उनकी उम्र रह गई है, नई एक्सप्लोरेशन हो रही है, अल्लाह करे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए बलूचिस्तान में और ज़खायर दरियाफ्त हों. जो पुराने ज़खायर हैं उनकी बहुत कम उम्र रह गई और कई उसमें मेरे ख्याल 80% 70% डेड हो चुके हैं जी. नहीं, अब वो अब उस पर हम, बाकी जहाँ तक सवाल है, जैसे सना साहब ने फरमाया है, ये सिर्फ हमारा बलूचिस्तान नहीं है, इस ऐवान में बैठे हुए 65 मेंबर जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये सब का बलूचिस्तान है. जितना मेरा हक है इस पर उतना हक उसका है. हम पहले भी छोटी से छोटी चीज़ पे आन बोर्ड ले रहे हैं अपोजिशन को, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए. हम इनको वेलकम कहेंगे, हमारे नए मुआहदों में हम जा रहे हैं, चाहे वो पावर सेक्टर में है, रिफाइनरी सेक्टर में है. अब आप देखें कि एक ज़मीन 5,000 रुपये एकड़ जाती है और मेरा सीएम उस पर स्टैंड लेता है, 2 करोड़ से ऊपर एकड़ की बात करता है जहाँ पे कोई से. तो आप उसका डिफरेंस देखें कि. शुक्रिया सरदार साहब जी. बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हम बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हैं जनाब स्पीकर साहब, ये बहुत अहम मसला है. इसी तरीके से गैस, इसी तरीके से पीपीएल के जैसे ये लाए हुए हैं मुआहदात, चाहे वो रेकोडेक होगा, सैंदिक होगा, ये फरमा रहे हैं सना साहब के मीटिंगें हो रही, बिल्कुल हो रही हैं, जुर्माना हो चुका है. हम वो भी मतलब किसी आला अदालत ने नहीं किया, वो एक एक अलग इनको पता है. वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों, हमें पता है कि जो पिछले एतवार में, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जो लंदन और स्विट्ज़रलैंड की सैर करके वापस आते थे यहाँ के नुमाइंदे, अब वो चीज़ नहीं है इंशाल्लाह. मैं वसूख से ज़िम्मेदारी से कहता हूँ अपोजिशन को कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान के मुफाद में. हाँ, एक चीज़ है, कानून के मुताबिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक मुआहदा होता है, हुकूमत का काम है उसके कोई मुआहदात होते हैं या कोई एग्रीमेंट होता है या कोई MOU साइन होता है, वो हुकूमत का होता है. लेकिन उसमें आपकी राय को हम अहमियत देंगे, अफजल जानेंगे, जो इस बलूचिस्तान के बारे में, जो इसकी तरक्की के हवाले से, जो इसकी पसमंदगी दूर करने के हवाले से और जो इसकी हकूक़ की बात होगी, इंशाल्लाह आप हमसे दूर नहीं होंगे, आप हमारे शाना बशाना खड़े होंगे, आप भी हमारे साथ कमिटमेंट दें और हम भी आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम आपको बाईपास करके कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे कल हमारी आने वाली नस्लें, चाहे मेरा
قائد ہوگا یا جو بھی آپ کو ٹریجی بینچز پر نظر آ رہے ہیں کہ کل ان کی اولادیں یا ہم کسی کو اس جنا روڈ پر یا کسی فٹ پاتھ پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. جو کر کے گئے آج وہ بلوچستان کے سیکریٹریٹ میں بھی اجنبی بن چکے ہیں, بلوچستان کے جنا روڈ پہ بھی اجنبی بن چکے ہیں, بلوچستان کے نوجوانوں کے سامنے بھی وہ اجنبی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے حقوق کے سودے کیے. ہم وہ مقام اپنے اوپر نہیں لائیں گے, اس سے بہتر سمجھیں گے کہ ہم مرنا پسند کریں گے, اس کے حقوق کی سودے بازی نہیں کریں گے. تھینک یو.